हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदेश लहरी और आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी कलाकार ऐसी अदाकार को मैं पेश कर रहा हूं जिसे मिलकर आप बहुत खुश होंगे। आपने लता जी को सुना होगा, आशा जी को सुना होगा, बहुत सारे क्लासिकल सिंगर को आपने सुना होगा, लेकिन आज मैं जिनको आपसे मिलाने जा रहा हूं इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही सुना है। काश ये उनको सुन लेती तो आज यहां नहीं कहीं और अच्छे स्टूडियो में इंटरव्यू दे रही होती। और इनके बारे में मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि हारमोनियम के बारे में जितनी नॉलेज इनको है शायद ही किसी को होगी। इनके पापा पूछते हैं जब भी हारमोनियम किधर है, वो कहती है अलमारी में पड़ा है, पिछले कमरे में पड़ा है, बैठक में पड़ा है। तो ये बहुत नॉलेज रखती है हारमोनियम की। तो खैर, कैसा लग रहा है आपको हमारे स्टूडियो में आकर? पहले चाय लीजिए। मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे स्टूडियो में आई। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो भी काम करती हैं बड़ी डेडिकेशन के साथ करती हैं, डायरेक्टर का बहुत कहना मानती हैं। जैसे मैंने इनको बोला कि चाय लीजिए, अब इसमें कुछ है भी नहीं, ये देखिए खाली है, लेकिन इनके अंदर वो है जुनून कि जो भी मैं करूं दिल से करूं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैडम अब ये बताइए कि जो रियाज है, ये रियाज मतलब आप क्यों नहीं करती? देखो मैंने रियाज की बात की है, डेडिकेशन देखो, अब यहाँ पे रियाज शुरू कर दिया। नहीं नहीं सर, ये वो वाला जैसे बात शुरू करना। अच्छा अच्छा, वो वाला मैं वहां पे गई थी, सोच रहा हूँ ये वो है। वेरी गुड। अच्छा, रियाज क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे बोला है कि सुबह रोज 4 बजे उठ के रियाज करना है। अब मैं सुबह रोज उठ के ऐसे रियाज करूंगी तो मेरे घर वाले परेशान नहीं हो जाएंगे? ओहो वाह वाह वाह, इसे कहते हैं आलस। अरे आलस आपका और नाम परिवार का लगा रहे हैं आप, ये गलत बात है। फिर आप कहते हैं कि मेरा कुछ बना नहीं, ऐसे मत करो। इस वक्त जितने भी सिंगर ये इंटरव्यू देख रहे हैं इनसे यही सीखना है कि रियाज ना करने से क्या हाल होता है। यहाँ बैठी है। खैर शिखा जी, आपका टाइम बड़ा कीमती है, आपकी मम्मी ने बोला होगा बर्तन मांजने हैं, कपड़े धोने हैं, पोछा लगाना है, फिर भी आप यहाँ पे आए स्टूडियो में, बहुत खुशी है। लेकिन जाते जाते एक सवाल, जैसे कोई भी सिंगर होता है उसको कोई ना कोई सिंगर पसंद होता है, प्रभावित होता है, आपको कौन कौन से सिंगर पसंद है? देखिए वैसे तो मुझे सारे सिंगर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट स्पेशली मुझे वो सिंगर्स बहुत ज्यादा पसंद है जिनके 40-50 व्यूज आते हैं। ये क्या बात हुई? क्योंकि मेरे 60-70 आते हैं ना, फिर मुझे भी हौसला मिल जाता है। देखिए इसे कहते हैं आलस। और इतनी बड़ी स्टार नहीं बनी, आप प्यार नीचे सोफा गंदा हो जाएगा। तो जाते जाते दोस्तों एक बात आपसे मैं कहना चाहूंगा, एक वादा लेना चाहूंगा, आपको ये कैसी लगी इंटरव्यू कमेंट जरूर करना और दुआ करना ये भी अच्छी सिंगर बने और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छे जवाब दिए तुमने। हाँ जी, थैंक यू। आप रहते कहाँ हो? मैं यहाँ पे रहती हूँ, मलाड वेस्ट। क्यों झूठ बोल रहे हो, आप यहीं रहते हो, बकवास कर रहे हो? आपकी किसी ने इंटरव्यू लेने तो नहीं है? चलो हम ले लेते हैं। अरे कैमरे चल रहे हैं आप? नहीं नहीं। ओ तो दोस्तों बाय बाय बाय। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना प्लीज। बाय। अब क्या करेंगे, लाइक देख लियो, बात हो।